सूरज को एक मकसद दिया ना, फरिश्तों को एक मकसद दिया, पानी को एक मकसद दिया, गंदम का अदना सा दाना है उसको भी मकसद दिया। बाकी मखलूकात हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, हैवानात हैं, हशरातुल अर्द हैं, सबको मकसद दिया। तो क्या इंसान को बेमकसद के पैदा किया? सबका मकसद है तो आखिर इंसान का भी तो कोई मकसद होगा। अगर इंसान का मकसद है तो पहली बात यह है कि क्या हमने कभी गौर किया कि इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया? और अगर मकसद का पता है तो क्या इंसान अपने मकसद को पूरा कर रहा है? अगर मकसद को पूरा नहीं कर रहा तो मेरे भाई, मेरे दिलदार, मेरे दोस्त, चींटी तो अपना मकसद पूरा कर रही है, चिड़िया तो अपना मकसद पूरा कर रही है, फाख्ता तो अपना मकसद पूरा कर रही है, गंदम और मकई के दाने तो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, समुंदर की मछलियां तो अपना मकसद पूरा कर रही हैं, फिर अशरफ वो मखलूक है या अशरफ इंसान है? तो अगर इंसान को बाकी मखलूक पे अल्लाह ने फजीलत दी है तो उसकी वजह इसके मकसद का आला होना है। और इंसान का मकसद तखलीक क्या है? उसने क्या कहा? उमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। क्या यह इबादत उसकी खातिर कर रही है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, के ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। किसके लिए है? अल्लाह के लिए।